हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं रोज का फेवरेट क्रिकेटर कौन, और ये अहमद गन पॉडकास्ट ऑफ कोर्स दिस इज फ्रॉम। और एक्चुअली हमने इसका स्टार्टिंग वाला जो थोड़ा व्हाट यू मीन सेगमेंट विगमेंट जो बोलते हैं वो देखा था, अभी इसके बाद वाला वी आर गोइंग टू वॉच इट। सो लेट अस सी हाउ ये अहमद गन का पॉडकास्ट इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। जो लड़के 3-4 महीने लड़कियों को बहन बनाने के बाद प्रपोज करते हैं उनका जहन्नुम में अलग ही मकाम होगा। हाँ, वो मतलब रजिस्टर्ड बगैरत। आप किसी को बहन की नजर से देखते नहीं, 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 नहीं। मतलब देखो दो चीजें हो सकती है। आपने कभी बहन माना ही नहीं था उसको, बस लफ्जों में बहन को एक बोल रहे थे। अच्छा, आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको कोई बहन बहन बोलता है और फिर बहन की इज्जत ही नहीं की, ऐसा हुआ? अचानक आपको प्रपोज कर दिया? नहीं, जितने बोले आप मैं तो भाई समझती थी, लेकिन सवाल यही था। नहीं ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि तहज्जुद के वक्त आपके पास कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हो? हाँ। तो आपने कहा हो ये कौन सा टाइम है? उसने कहा हो कबूलियत का। अच्छा, मैं वैसे भी रैंडम फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं करती। आजकल लोग शादी शुदा होते हैं, आपको बताते नहीं है, आप करनी पड़ती है। शादी शुदा इज नॉट अलाउड, मतलब शादी शुदा इज नॉट अलाउड फॉर मी ना, मतलब आपको एक यू वुड वांट अ सिंगल। आप क्यों इन्वॉल्व होंगे? सिंगल हो लेकिन उसको शादी का पता हो। आप इन्वॉल्व क्यों होंगे एक शादी? आप डिसॉल्व हो जाए इन्वॉल्व होने के चक्कर में। ये तो नंबर वन यार, किसी का घर खराब करना। नहीं, घर खराब नहीं करना होता, चल घर पहले खराब हो। हाँ। मैं आपको बात बताऊं, ये जो असल कीड़ा है ना, ये उठता ही शादी के बाद है। हां भाई, वो जो पहले उठता है वो असली नहीं होता? नहीं, वो भी असल होता है। पहली शादी होती है ना बंदे की, बंदे का मैदा खुल चुका होता है। अब उसको नहीं भूख लगना ज्यादा शुरू हो जाती है, फिर अब उसको उसको चाहिए खाने में वेरिएशन। यार पहले तो पता है एक औरत घर में कितना पकाएगी। लेकिन आप बाहर जाके किसी को धोखा दे रहे हैं, तो ये बात अंदर बुला के धोखा दे दो। आधे घंटे में 1.5 सेकंड का धोखा है मेरा, 2 मिनट में धोखा देके मैं चला जाऊंगा, आप अपना धोखा कहीं से ले लीजिए। आधे घंटे में 2 मिनट का धोखा। अंदर और बाहर के धोखे में क्या फर्क होता है यार? मतलब आप दोनों चीजें, बाहर के धोखे से मुराद के एक तो घर के बाहर लोग धोखा देते हैं और एक घर के लोग धोखा देते हैं। बेगम को ही धोखा दे रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इसी बात पे एक सवाल है। ये बात सच है कि बुढ़ापे में इश्क होना अच्छी बात है क्योंकि पुरानी गेंदें ही रिवर्स स्विंग करती हैं? आई बिलीव दैट। देखिए, अगर आपको एक साथ दो लोगों से इश्क हो गया है, मैं समझा आप कह रही है एक साथ दो लोगों से रिवर्स कराना है। लेकिन एक बात बता दूं, एक बात मैं आपको बता दूं, बॉलर जो विकेट लेता है ना वो नई बॉल से ही लेता है। नहीं नहीं, रिवर्स स्विंग हमारे यहाँ पहले बहुत होती थी ना, पहले ही चेक एंड बैलेंस नहीं था, कैमरे नहीं थे, तो एक तरफ से नाखून मारते रहते थे और एक तरफ से शाइन करते रहते थे। हाँ, हालांकि अजीब बात है, हालांकि टेनिस खेले, लेकिन अब क्यों नहीं हो रही रिवर्स स्विंग? क्योंकि पकड़ में नहीं है। आप क्रिकेटर बनना चाहती थी, मुझे ऐसा किसी ने बताया? मुझे नहीं, नहीं मैं क्यों बनूंगी क्रिकेटर। हाँ, मुझे एक क्रिकेटर अच्छा लगता है जो हम सबको अच्छा लगता है। कौन कौन? धोनी, विराट कोहली। अरे ये तो हर दफा बताते हैं यार, ये मुझे लग रहा है इस लड़की का पैगाम पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगा विराट भाई, प्लीज जरा सोचिए। दरअसल मसला पता क्या है? अच्छा, विराट को नहीं बोलना आपने, तो आपने अनुष्का जी, अनुष्का बाजी प्लीज। नहीं, मसला पता है क्या? अगर विराट के पास तो क्या कहते हैं अपनी, उनका लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा है। अगर विराट कुंवारा होता, सलामत रखेला, अगर विराट कुंवारा होता तो यकीन करो तुम्हारा होता। कपल आई लव देम, ऐसे नहीं, मैं गलत नीयत से नहीं देखती विराट कोहली को, अनुष्का को देखती है गलत नीयत से। हां, तो मतलब आप क्या रिस्पेक्ट करती हूं दोनों की, दोनों की। अच्छा, मेरी वो जो बात थी, अगर आपको दो लोगों से इश्क हो जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि पहला वाला सच्चा था या दूसरा वाला? इट्स ऑलवेज द दूसरा वाला, क्योंकि अगर आपको पहले वाले से इश्क होता तो आप दूसरे की तरफ नहीं देखते ना। तो आई थिंक अगर आपको बुढ़ापे में किसी से मोहब्बत होती है तो फिर वो वाकई में होती है। अच्छा, मेरे एक सवाल, इट्स अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, बच्चा ना होने पर हम बच्चा गोद में ले सकते हैं, तो मैं पूछना ये चाह रहा था कि बीवी ना होने पर किसी की बीवी गोद में ले सकते हैं? वाह, ये वो अमिताभ वाला गाना हो गया ना, बीवी छोड़ी उसका भी बड़ा नाम है, गोदी में उठा लो बच्चे का क्या काम है। बरकत भाई, ये अप्लाई नहीं किया है, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए नहीं है। अगर दोनों पार्टीज ओपन माइंडेड है। अच्छा, मुझे रोज ये बताएं कि कॉकरोच से ज्यादा डरती हैं या फिर छिपकली से? कॉकरोच स्पेशली वो उड़ने वाले, छिपकली तो मुझे मतलब मुझे बड़ा दुख होता है, घर में अगर आ भी जाती तो मारते वक्त उड़ने वाला अच्छी लगती है। उड़ने वाला कॉकरोच यार, ये लड़कियों के लिए पता है ये डॉनी न्यूज़ है। एक तो कॉकरोच है, ऊपर से उड़ने वाला कॉकरोच बना है, मतलब इतना कोई भयानक सा, कोई अजीब डायनासोर के जमाने का है, आपको पता है बात बताऊ ना, एक कॉकरोच ना जमीन पे पड़ा हुआ था जख्मी, दूसरा कॉकरोच आया, बोला यार
हिट लगी है या चप्पल पड़ी है? हाँ. बोला नहीं यार, ये लड़कियां देख के इतनी जोर से चिल्लाती हैं, मुझे हार्ट अटैक हो गया. अच्छा, कॉकरोच वैसे मरे मरे जिंदा हो जाते हैं, इनको मारना भी मुश्किल होता है. हाँ, वही तो, अच्छा रोज जी ये बताएं, आप लोग सब बताएं कि वो कौन सी चीज है जो बहुत वजन उठाती है लेकिन उसका खुद का वजन नहीं होता? दिमाग. शॉपर यार. वाह 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 वाह, टेक्निकल सॉन्ग, टेक्निकल. अच्छा, मैं दिल दिमाग सोच रही थी ना, मैं नहीं, नहीं, में आप तो सोच रही थी ना, मेरे ध्यान में आया. अच्छा रोज जी एक बात बताए, ये बात सही है कि लोगों से ताल्लुकात जो है वो आपको गुलाम बना देते हैं, इसलिए आप जितने तन्हा हैं उतने ज्यादा आजाद हैं. और एक और बात मैं बोलना चाहूंगी, हमारी शिकायत हमसे किया करें, हमारी कोई और ब्रांच नहीं है. चल जूटी, आपकी इतनी बड़ी ब्रांच है, मतलब मतीरा आपकी बहन. अच्छा, आपकी शिकायत उनसे भी तो कर सकते हैं लोग, है ना? ये है, एक ब्रांच तो है, पॉसिबिलिटी है, एक ब्रांच है. अच्छा ये बात कर रहे हैं रिश्तों की, तो एक डिसेंट में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मियां बीवी का रिश्ता भी कितना अजीब है. दूर हो तो जुदाई और करीब हो तो रुसवाई. अच्छा रोज जी एक बात बताइए, मुझे ऐसा लगता है कि जो आई लव यू है ये चाइना की इजाद है क्या? ना इसकी वारंटी है ना इसकी गारंटी है, चले तो चांद तक वरना शाम तक. हाय 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 हाय. तो आपको किसी ने आई लव यू बोला? हाँ. वो कितना चला बताएं? वो चला या आई लव यू चला? वो चला. आई लव यू कितना चला? वो चला मतलब ये के वो तो चल ही नहीं पाया ना सुबह में. नहीं मतलब उसको उसको चलने की हिम्मत ही नहीं उसकी. अरे यार मैं सवाल मेरा यार समझ नहीं आ रहा यार, बताएं ना. हां ओके क्लियर करें, क्या सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है? आई लव यू चला, लड़का चला? हां मैं क्या पूछा था? हां आई लव, नहीं पहले सोच के बता दे क्या पूछना चाह रहे हो. आपको किसी ने बोला आई लव यू? हां जी. तो वो आई लव यू कितना चला? मोहब्बत की ड्यूरेशन क्या? सालों चला. साल ओ सालों चला, मतलब उसके साले भी साथ चले. दूसरी औरत मिलने पर पहली वाली को छोड़ देना हिजरत है, बेवफाई नहीं. वाह 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 बरकत भाई, आइडिया दे रहे हैं आप लोगों को. हाँ हाँ ये आइडिया है आप लोगों को. अप्लाई होता है फीमेल से भी होता है? नहीं अप्लाई नहीं, देखो मैं अप्लाई फीमेल पे भी होता है. नहीं देखो मैं इसको मैं सीरियस बात कर दूंगा, इट्स अ वेरी लॉजिकल पॉइंट. प्लीज देखो, होंठ चूमने वाले तो हजारों मिलेंगे. होंठ चूमने वाले तो हजारों मिलेंगे. होंठ चूमने वाले तो हजारों मिलेंगे, जो माथा चूम ले समझो वही इश्क है. वाह, मेरे पास एक शेर है इनके. अरे मनोज माथा चूमने के बाद होंठ चूम लेता है. ये देखिए जो फोरहेड किसेस ना बहुत मासूम होती हैं, तो फोरहेड किसेस हो सकता है शुरुआत वहीं से होती हो. क्यों देता हो? नहीं किस के और एक्सप्रेशन देख लिया. ओ बाद में क्या, मुझे तो फोरहेड का मतलब ही नहीं पता. नहीं फोरहेड किसेस हमारा तो चार बंदे ले आओ उसके साथ. यार आप लोग बोलने की बातें, असल में सब खोलने की बातें. देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक सीरियस नोट पे बात कहना चाहता हूँ. जब वक्त आपका होना तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और जब वक्त खराब चल रहा हो ना तो आपका मजाक भी गलती बन जाता है. I would like to add something. और ये जो आपका दिमाग होता है ना, ये पैराशूट की मानिंद होता है. ये जब काम करेगा जब ये खुलेगा. वाह वाह, ये एक और चीज की मानिंद है. ओपन माइंडेड होना चाहिए. तो अच्छा इनका कहने का मतलब है आप कितनी ओपन माइंडेड हैं, मतलब तंग दिमाग हैं या फिर आजाद ख्याल हैं या फिर आजादी. दिमाग कितना काम करता है आपका? सामने वाले को देख के किस तरह से आप ऑब्जर्व कर लेते हैं? जस्ट कह लेते हैं कि इसके पास कितने पैसे होंगे. सॉरी नहीं सॉरी मतलब एक ये मुझे खुश रख सकता है. इससे अगर शादी करूंगी तो ये इसके पास इतना कुछ है कि मेरे कुछ में मैनेज करके और मैनेज कर लेगा. आप क्या मतलब भाई बना लेती है फौरन किसी को सामने वाले को? क्योंकि एक लड़का कह रहा है कि यार हर लड़की मुझे इतना भाई कहती है, पता नहीं मेरे अब्बू ने किस किस की अम्मी के साथ जो है ना चक्कर चलाया. हाय कौन गलीज आदमी है भाई ये इतने. ओके इसके बाद वाला ये बहुत ये मतलब जो लड़के बोलते हैं ना ऐसा मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आता है कि मेरे अबू ने पता नहीं मतलब मेरे पापा ने पता नहीं मतलब सारे लड़के मुझे भाई बोलते हैं एंड ऑल दैट थिंग. अब ये मतलब प्लेज बोलते हो ना वो जो होता है इंडियन प्लेज की ऑल द इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो कुछ समझ के बोला होगा ना यार वो प्लेज में तुम लोग इतने यार सी. मेरे को जो लड़के ऐसा बोलते हैं ना मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद, सच्ची मैं बोल रही हूँ. मैं यार सारे मतलब इतना वो मतलब क्या बोलते इनोसेंट एक प्योर बॉन्ड होता है उसको भी आप मतलब ऐसा ठीक है यार ओके. लेकिन यार मेरे सही था लाइक दिस एपिसोड है अब थोड़ा मतलब क्या बोलते शेरो शायरी एंड ऑल मतलब ज़्यादा लेकिन नहीं हो रहा है. लेकिन
बातें भी ठीक ठाक भी कैसे. सो या दैट इज इट फॉर टुडे. अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो. इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज़ फॉलो दैट टू. थैंक यू.